मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th बीएसटी के हमारे सेक्शन में हमने पढ़ा प्रबंध की भूमिकाओं के बारे में। मैंने आपको बताया कि प्रबंध का कोई भी स्तर क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर कार्य करता है उसे अपने प्राप्त स्तर और अधिकार सत्ता के अनुसार कार्य करना पड़ता है, अपनी भूमिकाएँ निर्वाह करनी पड़ती है। आज हम उस टॉपिक को पूरा कर चुके थे, आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं कि प्रबंध में कितने स्तर होते हैं, प्रबंध के पदानुक्रम क्या होता है। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से। प्रबंध की पदानुक्रम यानी पदों का एक क्रम होता है हर संगठन के अंदर, वो किस प्रकार निर्धारित होता है, ये क्या होता है, आज हम उसको पढ़ रहे हैं कि प्रबंध के वे सभी स्तर कहते हैं संगठन एक ढांचा बनाया जाता है और संगठन के ढांचे के अंदर अधिकार और उत्तरदायित्व हर स्तर पर अलग अलग होते हैं। जो अधिकारी है अधिकारी के अधीनस्थ होते हैं, वह उसको आदेश देता है, अधीनस्थ के फिर अधीनस्थ होते हैं वह उसको आदेश देता है और उसी तरह से उनका उत्तरदायित्व निर्धारित होता है। तो जो प्रबंध के स्तर होते हैं, जो प्रबंधकों के बीच आदेश और संप्रेषण की श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कौन किसको आदेश देगा, कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका अधीनस्थ है, इन जो श्रृंखला का निर्माण होता है, जो चैन बनाई जाती है, या यूं कहें कि अधिकारी अधीनस्थों के बीच संबंधों का निर्माण जो होता है, जो कि एक लंबवत तरीके से यानी सीधी रेखा के रूप में होता है, उसको हम कहते हैं प्रबंधकीय पदानुक्रम। ठीक है, यानी प्रबंधकों का पदों का अनुक्रम, यानी एक सिस्टम जो ऊपर से नीचे लंबवत रूप में होता है। हमारे जितने भी हमारे संगठन होते हैं उतने संगठन के उद्देश्य अलग होते हैं, उनके अंदर प्रबंधकों का दर्शन सोचने का तरीका अलग होता है, उसकी कार्य की जटिलताएं अलग होती हैं, उसी अनुसार प्रबंध के अलग अलग स्तर निर्धारित किए जाते हैं। हम बोले कि हर संगठन के अंदर एक ही स्तर होता है या तीन ही स्तर होते हैं या चार ही स्तर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रबंध के अंदर प्रबंध के उद्देश्य क्या है, उसके अधिकार उत्तरदायित्व क्या है प्रबंधकों के, उनकी कार्य की जटिलताएँ क्या है, बहुत सारी चीज़ें उनके प्रबंध के दर्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें मिलकर प्रबंध के अनुक्रमों को डिसाइड करती है। सामान्यतः जो पहले की बात करें तो प्रबंध के अंदर दो ही स्तर पाए जाते थे, जो नियोक्ता या स्वामी होता था मालिक, वह अपने कार्य स्वयं करता था और अपने कार्य करने के लिए अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को रखता था। तो एक क्रम तो वो और एक उसके अधीनस्थ हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ा हुआ, संगठन की संरचना बड़ी होने लगी, कार्य में जटिलता आने लगी, तो हमें कार्य में स्पेशलाइजेशन विशिष्टीकरण का पाया जाना जरूरी हो गया। कार्य को करने के लिए उस स्पेशल कार्य को करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता होने लगी, तो क्या होने लगा, संगठन के ढांचे में अंतर आने लगा है। आज के आधुनिक व्यवसाय के अंदर सामान्यतः तीन प्रकार के स्तर प्रबंध के अंदर पाए जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं प्रबंध के इन स्तरों के बारे में। सामान्यतः किसी भी संस्था के अंदर जो कि बहुत बड़े आकार की होती है, वहाँ पर क्या हो रहा है, स्वामित्व का प्रबंध से अलगाव होता चला जा रहा है। कारण क्या है कि स्वामी अब सभी कार्यों को करने में सक्षम नहीं है। आप जानते हैं कि कोई आदमी के पास पैसा हो सकता है, लेकिन आप सोचे कि उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी हो, उसको मार्केटिंग की भी नॉलेज हो, उसमें प्रोडक्शन की भी नॉलेज हो, ये सब नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको अपने कार्य करने के लिए, कार्य को अच्छी तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने लिए प्रबंधकों की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ प्रबंध के सामान्यतः तीन स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है उच्च स्तर, जिसे हम बोलते हैं टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल, और तीसरा जो अंतिम होता है प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षकीय स्तर, इसको हम निम्न स्तर नहीं बोलते, क्योंकि निम्न शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो हम टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और हमारा जो फर्दर से स्ट्रेट लाइन मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं पारी पर्यवेक्षकीय स्तर यानी सुपरवाइजरी लेवल। ये तीन लेवल्स में काम किया जाता है। तो नियोक्ता है सबसे ऊपर, आपने देखा स्वामी अजदारी, ये अपने तीन स्तर बनाते हैं। सबसे पहले उच्च स्तर, जिसके अंदर जो प्रबंधक होते हैं उनको किन नामों से जाना जाता है, जैसे CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिशासी, जो पूरी संस्था में अपने स्वामी के हितों के लिए क्या करता है, कार्य करता है, अपना ज्यादा समय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाने में करता है। और उनके दूसरे नाम होते हैं, जैसे हम कहते हैं संचालन मंडल का अध्यक्ष होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन हम उसको बोलते हैं, प्रबंध सचिव, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं MD हम बोलते हैं। तो ये
शब्द यूज करते हैं टॉप मैनेजमेंट में, जो अपने स्वामी के हितों के लिए कार्य करता है। और सबसे नीचे व्यक्ति होता है, तो आपको पता है जो कारखाना स्तर पर हमारे श्रमिक कार्य करते हैं, कारखाना स्तर पर जो श्रमिक कार्य करते हैं उनके कार्यों की देखरेख करना, उनसे दिन प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन करना, उनको अभिप्रेरित करना, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है मैनेजमेंट की, जिसे हम कहते हैं प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक स्तर। जो आपके कारखाना स्तर पर कार्य कर रहे व्यक्ति उससे सीधा संपर्क रखते हैं और उनसे आदेश निर्देश देकर अपने कार्य का संपादन करवाते हैं। यानी टॉप मैनेजमेंट इनके हितों के लिए कार्य करता है, रणनीतियां बनाता है, और नीचे वाला व्यक्ति जो कारखाना स्थल पर कार्य करता है और उनसे कार्य करवाता है, इन दोनों को जोड़ने वाला व्यक्ति होता है, जो होता है हमारा मध्य स्तर पर बैठा हुआ मिडिल लेवल, यानी मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, ऊपर जो भी योजनाएं बनाई जाती है उसके क्रियान्वयन का और इनसे कार्य करवाने का उनको आदेश देते हुए ये कार्य कराता है। तो मिडिल मैनेजमेंट जो है, जो कार्य करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा प्लांट मैनेजर होगा, किसी एक प्लांट के ऊपर जो हेड होता है उसको हम प्लांट मैनेजर बोलते हैं। रीजन्स होते हैं साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, तो हम अलग अलग क्षेत्रों के प्रबंधक बना देते हैं, जैसे क्षेत्रीय प्रबंधक रीजनल मैनेजर बोलते हैं। ऐसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, आप विभाग का जो मैनेजर होता है इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल हेड, है ना, ऐसे मंडल प्रबंधक। तो ये इनके डेजिग्नेशन होते हैं, नामों से इनको हम जानते हैं। इनके नीचे जो कार्य करने वाला जो तीसरा स्तर होता है इसको बोलते हैं प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक स्तर, जो सीधे कारखाना में, यानी जहाँ पर कहते ना हृदय स्थल पर जहाँ कार्य हो रहा होता है उस कार्य को पूरा ये लोग अपने कंट्रोल में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्रमिकों का सरदार होना, यानी कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं श्रमिक उनका फोरमैन, उसको फोरमैन बोलते हैं, श्रमिकों का सरदार, या नायक बोलते हैं उनका, उनका लीडर जो होता है, या बोलते हैं हम सुपरवाइजर या शिफ्ट सुपरवाइजर, पारी का पर्यवेक्षक। तो पारी का पर्यवेक्षक तो सिर्फ सुपरवाइजर उसका नाम हो गया, आपका सुपरवाइजर है तो उसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं, फोरमैन बोलते हैं, लीडर नायक बोलते हैं। तो इस तरीके से इस डेजिग्नेशन से बोलते हैं जो हमारे डेली के जो कार्य वास्तव में होते हैं उसको क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, कर्मचारी को अभिप्रेरित करते हुए कार्य का निष्पादन करके उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो हमने आज हमने प्रबंध के तीन स्तर को समझा। अब इन तीनों स्तर के जो अधिकारी हैं वो क्या कार्य करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक एक को करके हम पढ़ेंगे। आप सभी लोग इसका डायग्राम बना लें और प्रबंध के पदानुक्रम क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।